चलो तो कल के टेंस बनाते हैं। पहला वाला टेंस बोलो हिंदी में। प्राचीन प्राचीन काल में लोग गुफाओं में रहते थे। प्राचीन काल में लोग गुफाओं में रहते थे। रहते थे कौन सा टेंस? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। डेमो के लिए रेडी? हल्का है यार। हाँ तो बोलो। प्राचीन समय में लोग गुफाओं में रहते थे। अरे तो प्राचीन काल में लोग गुफाओं में रहते थे, तो बताओ ये कौन सा टेंस है? ए बताओ। हाँ पास्ट इंडिफिनिट। बताओ क्या लिखे हैं पहले? इन। इन से तो कोई भी आज तक टेंस नहीं स्टार्ट हुआ हमारा है। पीपल से? हाँ पीपल से स्टार्ट करो इसको। PEOPLE। फिर ते थे मतलब लिप की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। फिर इन कैप्स इन एंशिएंट टाइम। अब देखो जिनने इन से स्टार्ट किया है तो वो इन से स्टार्ट कर देंगे, बट इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक पूरा नोट करेंगे। नहीं समझे? पहले ये, फिर कॉमा होना चाहिए, फिर ये इन एंशियंट टाइम कॉमा पीपल लिव्ड इन कैप्स, तो सही है। अगर जिसका कॉमा नहीं लगा उसका गलत है। अगर एक कॉमा नहीं है तो पूरा टेंस गलत हो गया। हाँ नहीं लगाए थे ना। अब एक बात बताओ, कहाँ से टप्पा मार के आए? इतनी बुद्धि तो मैं नहीं है, हम कूट देंगे इसी से, उद्घाटन हो जाएगा। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, हमें पता है ना। हाँ तो सही तो लिखिए। तुम सो कहाँ गई थी जब हमने बताया? एक बात बताओ, ये कहाँ से टप्पा मारा? नहीं तो हम कम से कम 20 मारेंगे, ईमानदारी से बता दो तो एक भी नहीं मारेंगे। है मोबाइल से? आज झूठ बोल दिया तो बोल दिया, अब झूठ नहीं बोलना। हमने पूछा एक बार तो हमें एक बार में चाहिए, नहीं पहले तो हमको चल लेंगे, बाद में असलियत जानेंगे। किसने किसने मोबाइल की हेल्प ली? ध्यान करना, हमने यही बुला के टेंस बनवाने स्टार्ट कर दिए दूसरे, जो हम यहाँ कहते हैं। और यहाँ नहीं बना, घर चाहे घर से चाहे जितने बनाओ, बस 2 दिन की और बात है, 2 या 3 दिन की। हम फिर हमें हमारे डंडे स्टार्ट हो गए, जिसके टेंस जितने गलत होंगे 10 देंगे, 10 में जितने गलत उतने डंडे, याद रखना। अगर 10 के 10 भी गलत है और करके नहीं आया, जो जिसने बहाना दिया उसको 10 के 10 का ऑफर, और एक नैंग का हमारी तरफ से, क्यों बहाना दे रहे हो? ठीक है दूसरा बोलो। देखो दूसरा वाला टेंस बनेगा इन एंशियंट टाइम पीपल लिव्ड इन कैप्स, ये बन जाएगा। या ए यहाँ देखो तुम्हारे लिए, पीपल लिव्ड इन कैप्स इन एंशियंट टाइम, दोनों सही है। हाँ बोलो क्या हम जीवन में कुछ कर पाएंगे? कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। हाँ तो क्या हम तो विल? फिर नहीं सर, तेल आएगा। अच्छा हाँ सेल बी बी सेल वी। हमें पाना गेट भी लिखा है। अब तो मैं कैसे पता यहाँ गेट आना है? अब तुमको ठीक, पाना तो होता है गेट में से। पाना उसमें पाएंगी है क्या? तो सर हमें लगा पाना पाएंगी। नहीं एक बात बताओ, मोबाइल की हेल्प ली कसम से? सर जी बिल्कुल नहीं। कसम से हमें क्या करना है? तो हम तो सिर्फ सच बोल रहे हैं, हमें कसम पे थोड़ी भरोसा है। कसम वालों को तो हम उठा के पटक देंगे। हाँ गेट लिखा है लेकिन हमने इसकी देखो कॉपी थोड़ी। सर ये ए ऑनलाइन क्लास चल रही है, बना सही बना है। सेल बी से बना है। हम्म,
शैल वी, फिर तुमने लिखा है फाइंड, तो क्या हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, है ना। तो अगर तुमने मोबाइल की सहायता ली है तो फाइंड लोगों ने लिखा होगा। हाँ हाँ, गेट लिख सकते हैं। देखो हम तो डू लिखेंगे। कुछ कर पाना मतलब, देखो कुछ कर पाना, कुछ पाना अलग चीज है। तो गेट समथिंग, फाइंड समथिंग और डू समथिंग, तीनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे डू लगा दो करना, फाइंड मतलब पाना, गेट मीन्स पाना, यही होता है ना। तो बताओ किससे बना दे, सेल वी, अब करना है ना, तो डू, फिर कुछ तो समथिंग, और क्या है, क्या हम जीवन में डू समथिंग इन लाइफ। हाँ रुको, बता रहे फिर। हाँ यहाँ एनीथिंग भी आ जाएगा, समथिंग या एनीथिंग, कुछ भी लिख दो। क्या उसने परीक्षा नहीं ली, कौन सा टेंस। हाँ अब तो कंफ्यूजन नहीं होता ना ऐसे टेंस में। हाँ क्या उसने परीक्षा नहीं ली, है ना। बताओ किससे स्टार्ट करें, डेड ही नॉट, अब परीक्षा ली ना, टेक, फिर एग्जामिनेशन, नेक्स्ट बोलो। क्या भेड़िया को लाठी से नहीं मारा है, नहीं मारा है, हैज, है ना, हैज, क्या भेड़िया को लाठी से नहीं मारा है। तो एक बात बताओ, भेड़िया ने तुमको लाठी से मारा है क्या, जो सब्जेक्ट वॉल्फ ले रहे हो। अब यहाँ गड़बड़ हो गया, तो ये टेंस छोड़ते हैं, एक बार फिर सोचना। रानू ने चित्र बनाया था, रानू ने चित्र बनाया था, या था मतलब पास्ट परफेक्ट, क्यों बनाया था, लिया था, किया था, दिया था, तो किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा ना। हाँ तो बनाया था पास्ट परफेक्ट, मतलब दोबारा बोलना टेंस। रानू ने चित्र बनाया था, तो रानू हैड, बनाना ड्रॉ होता है, हमने कल बताया था। अब ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रा, ड्रे, डी आर ई डब्ल्यू होता है, डी आर यू डब्ल्यू, अब ये देख लेना, ये तुम्हारा काम है। हमने बनाया बताया था, देखो यहाँ डी आर ई डब्ल्यू होगा, देख लेना, या फिर डी आर देख लो ना। हाँ ड्रो पिक्चर, हाँ अगला बोलो। मुझे अपना गृह कार्य करना था, मुझे अपना गृह कार्य करना था, सही है। आई हैड करना था, तो डन माई होमवर्क क्या था, मुझे अपना गृह कार्य, ठीक है, आई का माई, डी आर ए डब्ल्यू एल, डी आर डी आर ए डब्ल्यू एल, अच्छा ड्रोन, ड्रा ड्रे ड्रोन, ऐसा होगा। आई हैड डन माई होम, अब जैसे ये एम बी मिल गई तो इनको लिख लिया करो ना ऐसे, ड्रा ड्रे ड्रोन, ऐसे जो हमने एच बी लिखवाई वहाँ, ओ एम बी लिखवाई है वहाँ पे नोट कर लिया करो, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई हैड डन माई होमवर्क, है ना, और कुछ है नहीं। वे कूदते होंगे, वे कूदते होंगे, ते होंगे मतलब इंडिफिनिट, वे मतलब दे, विल, विल आएगा, सेल नहीं आएगा। आगे कूदना जंप मीस, फिर बस, फिर क्या वे लकड़ी से मार रहे होंगे, क्या वे लकड़ी से मार रहे होंगे, कौन सा टेंस। फ्यूचर
हाँ तो क्या से स्टार्ट है, मतलब क्या आना चाहिए? वेला आना चाहिए। फिर क्या लिखे बता, तुम ही बताओ पूरा। दे लिखे ले, फिर बी लिख दे, फिर अब मारना, जान से मार रहे क्या? क्या मार रहे? हाँ तो जान से मर जाता है क्या? हिट में लिखेंगे इसको, और डबल टी हो जाएगा आई एन जी, हिटिंग। फिर बस हमें पता था इसलिए हमने ऐसा टेंस दिया था। दे विल बी हिटिंग फ्रॉम वुड की स्टिक की बाई स्टिक। हिंदी में दोबारा बोलना। क्या वे लकड़ी से मार रहे होंगे? तो बाई स्टिक लिख दो या फ्रॉम स्टिक लिख दो, दोनों सही है, जो लिखना हो ठीक है। हाँ और बोलो। यात्रा की तैयारी कर चुका है। क्या यात्रा की करे? वह यात्रा की तैयारी कर रहा। क्या वह यात्रा की तैयारी कर? एक मिनट। हाँ बोलो। ये भेड़ बकरियों जैसा क्यों चिल्लाने लगते हो? क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? नहीं ऐसे करने लगते, मैं पता नहीं है। जल्दी क्लियर करो जो भी हो। क्या वह यात्रा की तैयारी? अरे यार वह यात्रा की तैयारी कर चुका है। क्या आना चाहिए? ही प्रिपेयर। ये दा क्यों लिखा भैया? फोर ट्रिप या जनवरी। नेक्स्ट। हेड मनोरमा, फिर बुन्ना कहे माने डब्ल्यू ओ वी ई एन। हमने कुछ बताया था? हाँ क्या? ये तो नहीं है के एन आई डबल टी किनेटिंग नाइटिंग नाइट। ये अच्छा सर्च करना के एन आई टी, इतनी मीनिंग के एन आई टी, के एन आई टी। गूगल बाबा जिंदाबाद, इतना पता कर लिया जाता है। हाँ के एन आई टी। बुना हुआ कपड़ा, ओके एन आई डबल टी आई एन जी, क्योंकि ये आई एन जी समझ नहीं आ रहा हमारे अंदाज से, इसमें आई एन जी नहीं है। मतलब तुम मोबाइल का सहारा लेके आए हो। अच्छा ये मीनिंग डाला तो बुनना, और वो मीनिंग डाला तो बुना हुआ कपड़ा, तो यही सही है। हाँ बताओ क्या बनना है इसका? खाने के लिए क्या लिखा है? हमने मीनिंग बताई थी क्या, इसलिए बन गया। हाँ बोलो। दे देवर है नॉट स्पेलिंग बास्किंग, फिर सनशाइन, ओके कोई और है? ठीक है नोट कर लो, जिसको नोट करना हो मतलब अभी।
जो नोट कर रहा है, बाकी जो क्यों क्रेश मम्मी नहीं आई तो फिर ये क्यों ठीक है भाई। ये स्वेटर होगा यार, जो भी हो यार देख लो, ये ऑरेंज कॉल लग गई आंख हमारे, बड़ी बैंक कल आ रही है। हाँ तो पास्ट, वो सॉरी पास्ट के आता है फ्यूचर परफेक्ट होना ना। हाँ मुंह बंद, फ्यूचर परफेक्ट जल्दी से करो, करते हैं। देखो यहाँ पहले कौन फ्यूचर परफेक्ट, देखो इसका मतलब हो गया होगी। हाँ जो भी होगा, गा होगा, गी होगी, गे होंगे, ठीक है। फिर चुका, तो पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी। ए चुका होगा, चुका होगी, नहीं 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 चुका होगा, ए ए जैसिका मुंह बंद सबके, अब केवल देखो, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। तो ये क्या है फ्यूचर, और फ्यूचर वाले की पहले वाले की एच वी क्या थी, विल या सेल थी ना, विल और सेल थी ना। अब कॉन्टिन्यूअस में बी लग गई थी और परफेक्ट में हैव लग जाएगी, तो क्या हो जाएगी, विल हैव सेल हैव, समझ गए, क्या होगी इसकी एच वी, विल हैव सेल हैव। अब इसके एफर्मेटिव की बात करें तो हर एफर्मेटिव किससे स्टार्ट, सब्जेक्ट, फिर या सेल, फिर हैव, एमबी की थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, हम इकट्ठे लिख रहे हैं, ठीक है। निगेटिव में पहले फिर विल या सेल, फिर नॉट, हैव हो गया, एम बी की थर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया, फिर ए इंटरोगेटिव का सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसा बनेगा, सेल या विल सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये हैव कहाँ जाएगा, एम बी बोल रही है परी सर जी, हाँ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हो गया ना, ठीक है। तो इस वीडियो की लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें एक पेज मिलेगा, जैसे वीडियो चल रही होगी ना उस पे एक पेज मिलेगा, पेज में कुछ सेंटेंस लिखे होंगे, ज़्यादा नहीं 5-6 सेंटेंस, तो उन टेंस को वहीं रोक के बनाना है, लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में, जैसे क्लास हो गई ना तुरंत इसके बाद, हमारे बोलने के बाद मिल जाएगा, जैसे ये बोल रहे हैं तो अभी नहीं मिलेगा, इसके बाद हम जब जाएंगे तो मिल जाएगा। हाँ घर ही में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ तो देखो जी हम जा रहे हैं और देखना ऐसे आ जाएगा, जैसे हम गए तो आ गया, आ गया, देखो वो है वीडियो में, देखना वो है, मिल गया, ठीक है, टाटा।